नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के विचार विमर्श में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दैनिक जागरण में आए अभिव्यक्ति पर। इसमें इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, दो तीन हम उन पर चर्चा करेंगे। खासकर इसमें एक यहाँ पर देख सकते हैं, दवाओं का बेलगाम कारोबार पर। उसके अलावा संभव है विकसित भारत के लक्ष्य को पाना, जो कि महत्वपूर्ण है, और मातृत्व अवकाश का महत्व क्या है, जो कि इसमें दिया गया है। उसके अलावा जो अन्य खबरें हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितनी महत्वपूर्ण नहीं बनती है। चलिए शुरू करते हैं कि दवाओं का बेलगाम कारोबार से जानते हैं इसमें क्या है। जो हाल ही में खबरें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डोलो 650 यानी गोलियां हैं एमजी, डोलो 650 एमजी गोली को लेकर जो अभी सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है, उस पर जो कि लेख लिखा गया है डॉक्टर अजय खेमरिया द्वारा, उस पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। तो जो भारत में दवाओं का कारोबार है, वो जनता के शोषण का माध्यम बन गया है, इसमें यह कहा गया है। क्योंकि जो एकीकृत स्वास्थ्य नीति का अभाव है, इस शोषण को बढ़ाने वाला कारक है। अब एकीकृत स्वास्थ्य नीति क्या है, यानी कि सभी अलग अलग दवाओं पर अलग अलग कार्यों में जो मेडिकल है उससे जुड़े हुए जो स्वास्थ्य नीति है, उसका अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग नीति का होना इसका एक महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। जो कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में दवा और सहायक उपकरणों के कारोबार को नैतिकता के धरातल पर विनियमित करने का कोई कानून तंत्र आज तक विकसित नहीं हो सका है, जिसके कारण जो कि डोलो 650 जैसे मुद्दे और उसके अलावा जो पहले मुद्दे भी ऐसे उठ चुके हैं दवाओं को लेकर, वो सामने आए हैं। यानी कि जो नतीजन जनता का इसमें आर्थिक शोषण तो जारी है, अनावश्यक दवाओं के सेवन का सिलसिला भी बढ़ रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए जो डॉक्टर एवं दवा कंपनियों के जिस अनैतिक गठबंधन पर इन दोनों देश भर में चर्चा छिड़ी है, वह कोई नया मामला तो है ही नहीं। यानी कि जो याचिका में जो आरोप लगाया है उसमें है कि एक कंपनी ने डोलो 650 एमजी गोली की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को 1,000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। इसका पूरा मामला तो यहाँ शुरू होता है कि जो दवाओं को इस डोलो 650 कि जो इतनी बिक्री बढ़ी है उस पर जो याचिका लगी थी, उसमें जो ये इसमें पता चला था कि उन्होंने 1 करोड़ की रिश्वत दी, उससे फिर ये मामला बढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फिर कार्रवाई भी की है। अकेले कोरोना काल में 650 एमजी की करीब 350 करोड़ गोलियां बेची गई। यानी सोच सकते हैं कि मतलब 1 करोड़ की रिश्वत में इन्होंने कितने अपना बाजार को बढ़ाया है डॉक्टरों को रिश्वत देकर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे जज डी वाई चंद्रचूड़ ने खुद कहा कि कोविड के दौरान डॉक्टर ने उन्हें भी इसी गोली को सलाह दी थी। यानी कि स्पष्ट है कि डोलो की रिकॉर्ड बिक्री सामान्य कारोबारी उछाल नहीं थी, इसमें धांधलियां छुपी हुई है। सवाल अकेले डोलो 650 एमजी का नहीं है, बल्कि देश में दवा कारोबार के विनियमन का भी है। सरकार के पास इस संबंध में कोई समावेशी नीति है ही नहीं। ऐसा क्यों है, इसे 2 लाख करोड़ से ज्यादा के दवा एवं उपकरण कारोबार के अंतर्निहित हितों के आलोक में भी समझने की जरूरत है। सवाल है वो है कि केवल डॉक्टरों के नैतिक पक्ष का नहीं है, सरकार की नीतियों का भी है। यानी सरकार की नीतियां उतनी प्रभावी नहीं है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि देश में जो दवा कारोबार नियंत्रण और नियमन का काम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अधीन है, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है उसके अधीन दवाओं का नियंत्रण और नियमन है। यह रसायन मंत्रालय के अंतर्गत भी आता है। रसायन मंत्रालय जो कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी है, हेल्थ और परिवार कल्याण मंत्री, उनके अंतर्गत आता है। और उसके अलावा जो एक अन्य निकाय है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण, लेकिन वह दंडात्मक शक्तियों के विहीन है। यानी कि सिर्फ वह इनको इनके मतलब जो कि इनका जो दवाएं हैं उनका मूल्य निर्धारण में अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन उसके उसके जो अगर उसके आदेशों अगर अवहेलन अवहेलना होती है तो उसमें वह दंडात्मक शक्तियों से विहीन है और उस पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता। लेकिन जो दवा मूल्य नियंत्रण के लिए असल में कोई एकीकृत कानूनी व्यवस्था है ही नहीं, तो ये तीनों भी जो कि अन्य अन्य जो गवर्नमेंट बॉडीज है वह भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि सभी के अपने अपने जो कानूनी व्यवस्था है जो तीनों में अलग अलग तरीके से चल रही है। इनका एकीकृत करना इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि तीनों समन्वय से और एक एक जो कि अम्ब्रेला ऐसा अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट के अंदर आकर
तीनों एक साथ काम कर सके और जो भी एक ऐसी बॉडी बनाई जाए ताकि वो इसके मूल्य को और जो अन्य नियम है उनको कठोरता से लागू कर सके। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून 1940 यानी कि 1940 के तहत इस कारोबार को विनियमित किया जाता है, यानी कि 1940 का जो सौंदर्य प्रसाधन और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून है उसके तहत इसको विनियमित किया जाता है। और कानूनी स्थिति यह है कि फार्मा महकमा जो बेसिक दवाओं के दाम निर्धारित करता है, यानी कि जो बेसिक दवाओं के दाम निर्धारित करता है, बेसिक दवा यानी कि जो जेनेरिक दवाई भी कहते हैं हम जिन्हें, दवा कंपनियां इन बेसिक दवाओं में एक दो अतिरिक्त सॉल्ट जोड़कर नया ब्रांड बाजार में पेश कर देती है और उसकी मनमानी कीमत वसूलती है। अब जानते हैं इसके बारे में दोस्तों कि औषधि और सौंदर्य प्रसाधन कानून 1940 क्या है, और उसके बाद देखते हैं कि जेनरिक दवाएं और जो ब्रांडेड दवाएं वो क्या होती है। जो हम अगर देखें तो उसमें पता चलता है कि भारत का जो औषध और प्रसाधन सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम है 1940 का, उसमें औषधियों तथा प्रसाधनों के निर्माण में और बिक्री तथा संवितरण और विनियमित करना है, यानी कि उनका निर्माण में से जुड़ी हुई बातें हैं, उनकी बिक्री से जुड़ी हुई बातें हैं, और जो मतलब कि दाम वगैरह से उनके प्राइस से, और जो उसका वितरण है और विनियमित किस कितनी बनेगी और क्या है उसमें, उसको ये नियंत्रित करता है। इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति या फर्म राज्य सरकार द्वारा जारी उपयुक्त लाइसेंस के बिना औषधियों का स्टॉक करता है और उसकी बिक्री भी करता है या वितरण भी करता है तो उस पर एक दंडात्मक कार्यवाही होगी और लाइसेंस के बिना वह कार्य नहीं कर सकता है। जो ग्राहक को बेची गई तो प्रत्येक दवा का केस मेमो देना अनिवार्य कानून है, यानी कि ग्राहक को जो दवाई बेचती है उसका केस मेमो देना अनिवार्य कानून बन गया है इसके तहत। और जो प्रत्येक व्यापारी और निर्माता है वो उच्च कोटि की औषधियों का स्टॉक विनिर्माण करना चाहिए, यानी कि उच्च कोटि की अगर वो उसमें कुछ भी दवाओं की गुणवत्ता में कमी कमी देखी जाती है या कुछ होता है तो उसके लाइसेंस पर और उस खत्म कर दिया जाता है और उस पर एक कार्रवाई की जाएगी कानून के तहत। और जो 1940 के इस कानून की धारा 26 है उसको संशोधित कर मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संस्थाओं को औषधि तथा प्रसाधन सामग्री का नमूना परीक्षण तथा विश्लेषण करने के अधिकृत किया गया है। यह संस्था सरकारी विश्लेषण के पास नमूने परीक्षण या विश्लेषण के लिए भेज सकती है। तो यह देखा 1940 का कानून कुछ इस प्रकार है। उसके अलावा जो दोस्तों जेनरिक दवाएं होती है वो अगर यहाँ देखें तो इसमें कहा गया है कि जो बेसिक दवाएं यहाँ पर जेनरिक दवाओं को ही कहा गया है। जेनरिक दवा वो होती है जिन पर दवाएं तो वही होती है परंतु उनके ऊपर कोई ब्रांड की वैल्यू नहीं होती जिसकी वजह से उनका दाम कम होता है, जबकि गुणवत्ता में और जो उनके अंदर जो भी मतलब कंटेंट होता है उन सबका ब्रांडेड दवाओं और जेनरिक दवाओं का सेम ही होता है, बस उनकी ब्रांडेड दवाओं की वैल्यू जो कि दाम है वो ज़्यादा होता है और जेनरिक दवाओं की दाम कम होता है। अक्सर ये आपको सरकारी अस्पतालों में या फिर जो ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है उसमें जेनरिक दवाई होती है, ब्रांडेड दवाई नहीं होती है, क्योंकि वो दोनों एक ही है, उनका कंटेंट एक ही है, सिर्फ ब्रांड की वजह से उनको मतलब अधिक अतिरिक्त दो तीन एक दो सोल्ट अतिरिक्त लगाकर उसको ब्रांड के रूप में बाजार में पेश कर देती है जिसकी वजह से वो अपनी मनमानी कीमत फिर वसूलती है। एक और अस्पष्ट पक्ष यह है कि सरकार के निकाय केवल 500 mg तक की दवा के दाम तय करते हैं, यानी कि जो सरकार के निकाय है वो भी इसमें कहा जाता है कि वो सिर्फ 500 mg के दाम ही तय करते हैं। एक अस्पष्ट पक्ष है, यह पूर्ण रूप से अभी स्पष्ट नहीं है ऐसा कहा जाता है, और उससे ऊपर यानी कि 500 mg तक की दवा की दाम निर्धारण कर सकते हैं और उससे ऊपर नहीं कर सकते, यानी कि अगर 500 mg से ऊपर अगर दवा का हुआ तो वह दवाई कंपनियां खुद करेगी। और जो माना जाता है कि जो डोलो बनाने वाली कंपनी ने इसी प्राविधान का फायदा उठाकर 650 mg की नई रेंज बाजार में उतारी, यानी कि जो पहले उसकी एक 500 mg की रेंज आती थी जो कि 2013 में 5.10 रुपए की थी, जबकि आज बाजार में उसकी 650 mg की कीमत 30.91 यानी कि 30.91 रुपए है। आरोप यह भी है कि 650 mg डोलो का बुखार या बदन दर्द में 500 mg से अधिक कारगर होने के कोई साक्ष्य मेडिसिन टेक्स्ट बुक में नहीं पाए गए हैं, यानी कि दोनों में कोई अंतर अभी तक नहीं पाया गया है, सिर्फ उनमें थोड़ा बहुत जो मिक्सचर है जो भी उसकी कंटेंट है उसको छोड़कर। अब इस मामले पर अपने अपने पक्ष हो सकते हैं कि 650 mg कारगर रही या उसके दुष्प्रभाव किडनी लीवर पर हुए, लेकिन नीतिगत रूप से बड़ा सवाल तो दवा कंपनियों की नैतिकता से जुड़ा है, यानी कि अगर इनके प्रभावों को छोड़ दे दूसरे पक्ष को छोड़ के, पर जो हमारा बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि कंपनियों की नैतिकता से जुड़ा हुआ के रूप में।
नई चिकित्सा आचार संहिता 2002 यानी कि जो नई चिकित्सीय आचार संहिता आई थी 2002 में, उसको डॉक्टरों को दवा कंपनियों से रिश्वत, उपहार या अन्य आदान प्रदान प्रतिबंधित करती है। यानी कि जो डॉक्टरी संबंधी आचार संहिता है 2000, वो इन सभी के लिए मनाही करती है जो कि इसमें किया गया है रिश्वत देकर। अगर हम चिकित्सा आचार संहिता अधिनियम 2002 को देखते हैं तो उसमें पाएंगे कि इसमें कुछ घोषणाएं की गई है जिसका एक चिकित्सक चरित्र होना चाहिए, यानी कि एमबीबीएस या एमबीबीएस की योग्यता वाले डॉक्टर, स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा या किसी भी चिकित्सा विषय में समकक्ष योग्यता के साथ, यानी कि एक आपके पास चिकित्सा के लिए एक आपके पास डिग्री होना चाहिए या एक आप मान्यता प्राप्त डॉक्टर होने चाहिए। उसके अलावा अच्छी चिकित्सा पद्धति को बनाए रखना है, मेडिकल रिकॉर्ड को आपके रख रखाव रखना है, ये कि कुछ आचार संहिता के इसके नियम है डॉक्टरी में। उसके अलावा जो आपका पंजीकरण संख्या का प्रदर्शन है वो भी आपको बताना होगा, दवाओं के सामान्य नामों का उपयोग करना होगा, जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को जेनेरिक नामों से दवाएं लिखनी चाहिए और वह यह सुनिश्चित करेगा कि दवाओं का एक तर्कसंगत नुस्खा और उपयोग है। यानी कि डॉक्टरों को यह भी हिदायत दी जाती है कि आपको लोग जो जो भी पेशेंट आपके पास आए, जो भी बीमार व्यक्ति आए, उसको आपको जेनेरिक दवाएं ही प्रिस्क्राइब देनी है, ना कि ब्रांडेड दवाएं, क्योंकि ब्रांडेड दवाएं जेनेरिक दवाओं से बहुत महंगी होती है, जबकि उन दोनों का कार्य और असर सेम ही होता है। जैसे कि अगर एक बुखार की गोली देखी जाए तो बुखार की गोली 2 रुपए की आपको मिल जाएगी सामान्यतः बाजार में, परंतु अगर आप ब्रांडेड गोली या ब्रांडेड टेबलेट देखेंगे तो वह 5, 10 रुपए या 20 रुपए तक भी बहुत सारी गोलियां आती है, जबकि उनका जेनरिक और ब्रांडेड में सिर्फ यही होता है कि उनका नाम अंतर है और जो उनके कार्य है या फिर उनका नुस्खा है वो सेम ही होता है। और जो दवाओं के सामान्य नामों का उपयोग ये हमने देखा, उसके अलावा जो रोगी देखभाल में उच्चतम गुणवत्ता आश्वासन ये भी होना चाहिए। अनैतिक आचरण का एक्सपोजर, एक चिकित्सक को बिना किसी डर या पक्षपात के पेशे के सदस्यों के अक्षम या भ्रष्ट, बेईमान या अनैतिक आचरण का पर्दाफाश करना चाहिए, ये कुछ इसके नियम है। यहाँ पर कुछ कानूनी प्रतिबंध भी होते हैं, व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान होता है और जो रोगियों के प्रति कर्तव्य, ये कुछ इसके। यहाँ हमने जो डॉक्टर आचार संहिता है उसके विनियम 2002 से जुड़े कुछ नियमों को जाना, उसके अलावा भी बहुत कुछ है तो हम, ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम जो हमारे मुख्य रूप से थे हमने वो देख लिए। अब हम चलते हैं फिर से हमारे उसी टॉपिक पर। उसके अलावा जो हमने यहाँ देखा कि जो बेसिक और ब्रांडेड दवाओं में क्या अंतर है वो हमने देख लिया है। उसके अलावा जो एक और ये भी है, और उसके अलावा जो नई चिकित्सा आचार संहिता 2002 है उस पर हमने देख कुछ अपने मुख्य मुद्दे देख लिए। उसके अलावा जो लेकिन हजारों करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियां इन कृत्यों के लिए जवाबदेही से बची हुई है, यानी कि जो रिश्वतखोरी हो रहा है, उपहार का आदान प्रदान हो रहा है, इसीलिए क्योंकि यह हजारों क्योंकि ये कंपनियों पर लागू नहीं होता है ये नियम, इसीलिए ये इनसे बची हुई है। क्योंकि दवा निर्माण क्षेत्र के लिए यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस 2015 से बनी हुई है, लेकिन यह संहिता कानून बाध्यकारी नहीं है, यानी कि इन कंपनियों के लिए भी कुछ नियम है जो कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस 2015 का यूनिफॉर्म कोड के तहत इनके लिए बनाए गए हैं नियम, परंतु ये एक बाध्यकारी नियम नहीं है, इसलिए यह इनसे इन पर इनका कानूनी रूप से वो कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यानी दवा कंपनियों को अपने उत्पादन बेचने के लिए हर तरह की छूट मिली है। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2019 में कर्नाटक के सांसद केसी राम मूर्ति ने जब राज्यसभा में ऐसी कंपनियों की जानकारी मांगी जो अनैतिक काम करती है, तो स्वास्थ्य मंत्री ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि औषधि विभाग को कुछ कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है। यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्री से जब उनका कंपनियों की जानकारी मांगी गई पूरी पूरी, तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि यहाँ पर सिर्फ शिकायतें प्राप्त हुई है। और जो 14 फरवरी 2019 को एक आरटीआई फाइल की गई थी उसमें जवाब आया कि औषधि विभाग ने 20 कंपनियों की सूची दी, लेकिन इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब साफ दिखता है कि इनके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, सिर्फ इनके ऊपर शिकायतें रखी गई है। और सच्चाई यही है कि देश में दवा कारोबारियों और चिकित्सकों के बीच कदाचारी रिश्तों का एक तरफा कानून है जो कंपनियों के पक्ष में है, यानी कि सरकार भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक। और बेहतर होगा कि दवा कारोबार को विनियमित करने के लिए इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन लाया जाए, यानी कि इसे स्वास्थ्य मंत्रालय अधीन लाकर अन्य विभागों को भी
इसके साथ एक एकीकृत रूप देकर यहाँ पर एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिए जिससे कि इन कंपनियों पर या ऐसे कृत्यों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके, और एक एकीकृत रूप से सख्त कानून जैसे कि अमेरिका जर्मनी की तर्ज पर बनाए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखते हैं, पहले हम इस पर देखते हैं दोस्तों कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो हमने यहाँ पर देखा कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस 2015 क्या है, इस पर देखते हैं कि यह भी एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोड हो जाता है अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि तो यह है द अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर ADEH, संसद में हाल ही में जो मतलब सरकार के खुलासे पर निराशा व्यक्त किया, यह अभी का मुद्दा नहीं है, जब 2020 में ये उठा था तब बहुत ही ये चर्चा में रहा था, परंतु जो दवाओं में जो गड़बड़ी चल रही है अभी जो केस आए हैं उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन भी अगर बैठता है परीक्षा में तो आप उसमें यह देखकर इस डाटा का उपयोग कर सकते हैं। जो ADEH ने कहा कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस के यूनिफॉर्म कोड को अनिवार्य बनाने का कोई निर्णय नहीं है, यानी कि इसमें कहा गया है कि इसको अनिवार्य नहीं है नियम, यह बाध्यकारी नहीं है, यह एक मौलिक रूप से इनको दवाएं कंपनियां अपने अपना सकती है। उसके अलावा समूह ने यह भी कहा कि सामने जो मुद्दे हैं उनको सामने लाया गया है क्योंकि फार्मा कंपनियों द्वारा कोड का पालन न करने से दवाओं की लागत बढ़ जाती है और भ्रष्ट प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है। ADEH ने मांग की यूपीए यूसी टीएमपी की दवाओं के विपणन में निष्पक्षता लाने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए क्योंकि उद्योग स्वैच्छिक आधार पर कोड का पालन करने में विफल रहे हैं, यानी कि जो ये कोड पहले लाए गए थे ये स्वैच्छिक रूप से थे, परंतु देखा गया है कि जो उद्योग उद्योग है वो स्वैच्छिक रूप से इसका पालन नहीं कर रहे और भ्रष्ट प्रथाओं को अपना रहे हैं, इसलिए इसको अब उद्योग इस अब जो इस दवा ये कानून है उनको एक अनिवार्य रूप देना होगा ताकि यह सब पर बाध्यकारी हो और नहीं करने पर इस पर कानूनी दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई जाए। जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस UCPMP का यूनिफॉर्म कोड क्या है इसको देखते हैं, यानी कि UCPMP केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा दवा कंपनियों के साथ साथ चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए विपणन प्रथाओं से संबंधित एक स्वैच्छिक कोड है। इसे 1 जनवरी 2015 से 6 महीने के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया था, यानी कि 6 महीने के लिए यह स्वैच्छिक था, 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जानी थी। यानी प्रयोज्यता वर्तमान में UCPMP कोड फार्मास्यूटिकल कंपनियों, चिकित्सा प्रतिनिधियों, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के एजेंटों जैसे वितरकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और फार्मास्यूटिकल निर्माता संघों पर लागू होता है, यानी कि यह सब इनके निर्माताओं पर, विक्रेताओं पर और जो बीच के जो भी प्रतिनिधि हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी के एजेंट हैं, उन सभी पर यह कानून लागू होता है। इसमें प्रमुख प्रावधान है कि किसी फार्मा कंपनी या उसके एजेंटों द्वारा दवाओं को निर्धारित करने या आपूर्ति करने के लिए योग्य व्यक्तियों को कोई उपहार, आर्थिक लाभ या किसी प्रकार के लाभ की आपूर्ति, पेशकश या वादा नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमारे डोलो 650 केस में देखा गया है कि यही कार्य वहां पर किए गए हैं, इसलिए यह एक तरीके से गैर कानूनी है। कंपनियों या उनके संघों के प्रतिनिधियों का विस्तार नहीं होगा, यानी कि देश के अंदर या बाहर कोई यात्रा सुविधा नहीं, कोई भी अतिथि जैसे कि किसी भी बहाने से स्वास्थ्य देखभाल करने वालों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए होटल या आवास, यानी कि जो स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं उनके लिए भी कोई यात्रा सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, यानी डॉक्टरों से को यहाँ पर एक तरीके से कहा गया है, और उनके ना ही अतिथि के लिए कोई होटल वगैरह या परिवारिक सदस्यों के लिए कोई सुविधा दी जा सकती है। यह अतिरिक्त शर्तों को भी निर्धारित करता है जिन्हें नमूने प्रदान करते समय देखा जाना है। उसके अलावा यहाँ पर अन्य चिंताएं और कुछ दिए गए हैं, परंतु यह हमारे उतने कार्य के नहीं है। ये फिर से यानी कि जो दवा कंपनी का उत्पादन है वह अपने उत्पादन बेचने के लिए हर एक तरह की छूट मिली हुई है, यहाँ पर हमने यह देखा था। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें कि हमारे जो अब हमारे इसमें जरूरत जो पड़ रही है वह यह है कि एक सख्त कानून होना चाहिए जैसे कि अमेरिका जर्मनी की तर्ज पर बनाए, और जैसे कि 2009 में का अगर केस देखें हम कि 2009 में जो जॉनसन एंड जॉनसन को अमेरिका और जो अमेरिका में 2.2 अरब डॉलर और 2013 में फाइजर को 2.3 अरब डॉलर और 2014 में गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन को 3 अरब यूरो का जुर्माना भरना पड़ा, यानी
देख सकते हैं कि अमेरिका में दो जॉनसन को भरना पड़ा जुर्माना, उसके अलावा फाइजर को उस पर जुर्माना लगाया गया, और जो कि यूरोप में देखा जाए तो गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन को भी 3 अरब यूरो का जुर्माना भरना पड़ा। इसी तरह 2018 में फाइजर पर लाखों डॉलर का जुर्माना, 2018 में भी फिर से फाइजर पर लाखों डॉलर का जुर्माना लगाया गया जो कि अनैतिक कारोबारी गतिविधियों पर लगाया जा चुका था उस पर। तो भारत में ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि फार्मा कंपनियों के विरुद्ध ऐसे कोई कानून ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिका के मुताबिक देश की 7 बड़ी दवा कंपनियों ने पिछले 8 साल में 34,186 करोड़ रुपए तो केवल अपने उत्पादों की मार्केटिंग पर खर्च किया। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार एक वर्ष में लगभग 42,000 करोड़ की दवाएं रिटेल काउंटर से बेची जाती है, जिनमें अधिकतर गैर जरूरतमंद और उपचार के लिए असंगत श्रेणी की होती है। यानी कि जो 42,000 करोड़ की दवाएं बेची जाती है रिटेल काउंटर से, उनमें भी अधिकतर गैर जरूरतमंद दवाएं और जो उपचार के लिए असंगत बेची दवाएं बेची जाती है। साफ है कि दवा कंपनी से जुड़ी मार्केटिंग को विनियमित करने के लिए आचार संहिता को बाध्यकारी बनाना जाने की सख्त आवश्यकता है। और एक यहाँ पर जो है उसके लिए और उपयोगिता के आधार पर विनियमित किए जाने पर प्रमाणिक और एकीकृत निकाय निर्मित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मूल्य नियंत्रण कानूनी दायरे से बाहर है, जो कि 80% दवाओं के मूल्य नियंत्रण को कानूनी दायरे से बाहर है, जिसमें कि हृदय रोग के उपयोग किए जाने वाले स्टेंट की कीमतों से समझा जा सकता है क्योंकि बहुत ही महंगे आते हैं, और जिनकी कीमतें 2017 में नियंत्रित की गई, यानी कि 2017 में तो उनको नियंत्रित किया गया, लेकिन कोरोना काल में फिर पल्स मीटर, ऑक्सीमीटर, कंसेंट्रेटर, ग्लूकोमीटर 709% अधिक दामों पर बेचा जा रहे थे। यानी कि जो उनकी कीमतें थी उनसे 709% अधिक दामों पर उनको बेचा गया, जिन्हें 70% मुनाफे तक लाया गया। वस्तुतः स्वास्थ्य सुविधाओं की कीमत तय करने के में मूल्य निर्धारण, स्वास्थ्य व्यवस्था और बाजार की भूमिका को ईमानदारी से विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि बाजार के नियंत्रण की यहाँ पर बहुत ही जरूरी और आवश्यक नियंत्रण जरूरी हो गया है, इसलिए सरकार को इस पर महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए और इसके लिए एक ऐसे व्यवस्था की जानी चाहिए जहाँ पर इन सभी कंपनियों पर और अन्य जो भी ऐसे कार्यों में संलग्न है उन पर एक नियंत्रण स्थापित किया जा सके, और अगर इनका उल्लंघन करने पर एक मजबूत और आवश्यक रूप से जरूरी एक दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सके। तो इसी प्रकार यहाँ पर कुछ हमने देखे किस प्रकार से पहलू हो रहे हैं, दवाओं को बेलगाम कारोबार किस प्रकार बढ़ रहा है और किस प्रकार की धांधलियां हो रही है, और किस प्रकार से हम दूसरे देशों की तर्ज पर अपने यहाँ पर एक ऐसे कानून बना सकते हैं जो कि इनको कुछ हद तक इनको रोक सकते हैं। इसलिए सिर्फ इन केसों के उजागर होने से कुछ नहीं होगा, इस पर सरकार को बहुत जरूरी और आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। तो ये बढ़ते हैं अब हमारे अगले इसके टॉपिक पर कि क्या है। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक आप कर लेना, संभव विकसित भारत के लक्ष्य को पाना। उसके अलावा हम चलते हैं अगले टॉपिक पर जो कि है मातृत्व, अवकाश का महत्व, इसको जानते हैं और शिक्षा की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। तो जो इसमें बताया गया है वही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मातृत्व तो अवकाश को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिस शीर्ष न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि कामकाजी महिला को मातृत्व तो अवकाश के अधिकार से वंचित करना नियम 43 के प्राविधानों का उल्लंघन है। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के नियम 43 के प्राविधान है कि 2 से कम जीवित बच्चों वाली एक महिला कर्मचारी को प्रसव की अनुमानित तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यानी कि 6 महीने के अवकाश देने का उसमें प्राविधान किया गया है। इस अवधि के दौरान उसे छुट्टी पर जाने से ठीक पहले वाले वेतन के बराबर वेतन का भुगतान किया जाएगा, यानी कि छुट्टी से जाने वाले जो वेतन उसको मिला है उसके बराबर उसको वेतन दिया जाना चाहिए। और जो घर को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वर्तमान में महिलाएं कुशल एवं अकुशल श्रमिक के रूप में हर क्षेत्र में कार्य कर रही है और इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते हुए कभी कभी नवजात शिशु के साथ अन्याय हो जाता है, और जो कामकाजी महिलाओं को बच्चों की परवरिश में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो
इसके लिए मोदी सरकार ने 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है, जो माँ और शिशु दोनों के लिए लाभदायक है। इसके बाद सरकार ने मार्च 2018 में मातृत्व लाभ संशोधन कानून 2017 को अधिसूचित किया था। इसके तहत 50 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रत्येक संस्थान के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि उनके पास निर्धारित दूरी के भीतर पालना घर हो, यानी कि उनके पास एक फिक्स डिस्टेंस के अंदर ऐसा घर होना चाहिए जहां पर ये महिलाएं अपने बच्चों को रख सकती है अपने कार्य करने के दौरान। साथ ही नियोक्ता महिला कर्मचारियों को एक दिन में 4 बार वहां पर पालना घर जाने की अनुमति भी देनी होगी या फिर देंगे। जो माँ बनना हर महिला के लिए एक सुखद एहसास होता है, हर कामकाजी महिला अपने काम के साथ बच्चे को भी पूरा वक्त देना चाहती है। ऐसे में मातृत्व अवकाश देने का उद्देश्य नवजात शिशु की देखभाल, महिलाओं की कार्यस्थल पर आने और वहां बने रहने के लिए ही प्रोत्साहित करना है। लेकिन कई प्रावधानों के बावजूद महिलाएं के बच्चों के जन्म पर अपना कार्यस्थल छोड़ने के लिए मजबूर होती है, क्योंकि गर्भधारण एवं मां बनने के लिए महिलाओं को निजी कंपनियां में जो आवश्यकता अनुसार छुट्टियां और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती है, जिसके कारण यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि कुछ कंपनियां मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं को वेतन देने से बचने के लिए उन्हें नौकरी से निकालने में भी गुरेज नहीं करती है। मातृत्व अवकाश को महत्व समझना होगा। इन विशेष दिनों में एक माँ अपने शिशु की ही नहीं बल्कि देश के भविष्य की भी अच्छे से देखभाल करती है। वह उसे भरपूर प्यार करती है ताकि वह बच्चा बड़ा होकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ सके और उसकी तरक्की में अपना योगदान दे सके। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका महत्व क्यों है। महत्वपूर्ण इसमें इसका महत्व था मातृत्व अवकाश का महत्व, जो कि हमने इसमें जाना कि इसको कंपनियों को भी समझना चाहिए और सरकार को भी इसमें कुछ और बदलाव करने चाहिए। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।